हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर जो भौकाल मचाया था वो किसी से छिपा नहीं है। 11 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म ने ऐसा कमाल किया कि लोगों को थिएटर्स में सीटें तक नहीं मिली थी। कई दिनों तक शोज हाउसफुल रहे थे। इतना ही नहीं, थिएटर से बाहर निकलकर लोगों ने जय श्री राम के नारे तक लगाए थे। फिल्म को पसंद करने वालों की कमी नहीं थी तो फिल्म का विरोध करने वाले भी बहुत सारे लोग देखे गए थे। फिल्म का जहां कई जानी मानी फिल्मी हस्तियों ने विरोध किया तो वहीं बड़े बड़े राजनेताओं ने फिल्म की आलोचना की थी। साथ ही कुछ ने तो इस फिल्म का मजाक ही बना दिया था। वहीं इस फिल्म पर मुस्लिम विरोधी होने, एक खास राजनीतिक विचारधारा वाली और गलत तथ्यों को पेश करने के आरोप भी लगते रहे। अब लीजिए फिल्म के बारे में ऐसा ही कुछ विकिपीडिया के पेज पर दे दिया गया है, जिस पर विवेक अग्निहोत्री ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। दरअसल विकिपीडिया पर फिल्म की समरी में लिखा गया है, द कश्मीर फाइल साल 2022 की एक भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसे विवेक अग्निहोत्री ने लिखा और डायरेक्ट किया है। फिल्म में कश्मीर के विवादित इलाके से कश्मीरी हिंदुओं के विस्थापन की काल्पनिक कहानी दिखाई गई है। फिल्म में 1990 के शुरू में हुए विस्थापन को सामूहिक नरसंहार दिखाया गया है, जिसके बारे में ज्यादातर ऐसा सोचा जाता है कि ये गलत है और षड्यंत्र पर बनी थ्योरीज पर आधारित है। अब विकिपीडिया में फिल्म की समरी में लिखी गई इन बातों पर विवेक अग्निहोत्री का गुस्सा फूट पड़ रहा है। विवेक ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें लिखा था, प्रिय विकिपीडिया, आप इसमें इस्लामोफोबिया, प्रोपोगेंडा, संघी और कट्टर जैसे शब्द जोड़ना भूल गए हैं। आप अपनी धर्म निरपेक्ष पहचान खोते जा रही हैं। जल्दी इसे और एडिट करें। बता दें ये पहली बार नहीं जब विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म की आलोचना करने वालों को लताड़ लगाई हो। इससे पहले भी वो फिल्म के खिलाफ बयानबाजी करने वालों को खरी खोटी सुना चुके हैं। बता दें द कश्मीर फाइल्स लोगों को काफी पसंद आई है। कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां करती इस फिल्म में उनके नरसंहार और पलायन को दिखाया गया है। इस फिल्म को देखकर न जाने कितने लोग थिएटर से बाहर निकलते वक्त रोते हुए नजर आए। लोगों के दिल को छूने वाली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने में कामयाब रही है। वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर इस फिल्म ने हर किसी को हैरान कर दिया। बताते चले, फिल्म में अनुपम खेर के साथ साथ मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी और तमाम स्टार्स नजर आए हैं। वैसे आपको इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।